दोस्तों नमस्कार। दोस्तों YouTube चैनल उपयोगी एग्ज़ाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 की करेंगे। 2021 में किसे यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। और दोस्तों इससे जुड़े जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनकी बात होगी। यह पुरस्कार 2021 में किसे प्रदान किया गया है, ठीक है, किस क्षेत्र में प्रदान किया गया है, ठीक है, और किस संस्था या व्यक्ति को प्रदान किया गया है, और इससे जुड़े जो अदर पॉइंट होंगे दोस्तों उनकी भी बात होगी। दोस्तों फुल जानकारी होगी और दोस्तों इससे जुड़े ज़्यादातर प्रश्न परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। इस वीडियो को पूरा देखें और कंप्लीट देखें दोस्तों। दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। इस तरह से यहाँ पर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि सबसे पहले हमारे वीडियो को देख सकें, सबसे पहले जानकारी प्राप्त कर सकें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देख पाएंगे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 की बात हो रही है। इंदिरा गांधी पीस प्राइस 2021 किससे प्रदान किया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट की ओर चलते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में दोस्तों हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से प्रथम को सम्मानित किया गया है, ठीक है। ध्यान रख याद करने का भी अच्छा तरीका रहेगा। प्रथम याद रहेगा कि 2021 को दिया गया है, ठीक है। आगे देख पाएंगे प्रथम क्या है आखिर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में गांधी शांति पुरस्कार भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की याद में दिया जाता है, ठीक है। ये गांधी जो शांति पुरस्कार है भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की याद में प्रदान किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करने के क्षेत्र में काम करने वाली समाज सेवी संस्था प्रथम को साल 2021 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है, ठीक है। इसे पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में यह पुरस्कार प्रतिवर्ष ऐसे व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है, ठीक है, जिसने समाज सेवा निरस्त्रीकरण या विकास के कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, ठीक है। इस तरह से इसे यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट में देख पाएंगे इस पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपये और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है, ठीक है। प्रशस्ति पत्र जो है प्रदान किया जाता है, 25 लाख रुपये दिए जाते हैं, ठीक है। इस संस्था के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो हैं वो रुक्मणी बनर्जी हैं, ठीक है। जो इस संस्था है बनर्जी जो प्रथम संस्था है इसकी जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वो रुक्मणी बनर्जी हैं, ठीक है। भारत और दुनिया में कमज़ोर तबकों के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने के प्रति समर्पित होने के लिए इस संस्था को पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। इसने जो है इस संस्था ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। जो मतलब गरीब बच्चे हैं या जो मतलब शिक्षा देने में असमर्थ हैं लेने में, ठीक है, उनके पास रुपए नहीं, तो ऐसी ये संस्था है जिसे इस वर्ष का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 दिया गया है, ठीक है। और दोस्तों धन्यवाद।